जाए तो क्या कीजिए, वो कभी मिल जाए तो क्या कीजिए, रात दिन सूरत को देखा कीजिए, वो कभी मिल जाए तो। नमस्कार है, स्वागत है आप सभी लोगों का। इस गज़ल की फरमाइश बीच बीच में आप लोग करते रहे हैं, बहुत ही लाजवाब का, मेरा बहुत पसंदीदा ये चीज़ है और बहुत बार गाया हूँ मैं। रूपक ताल पे है और राग बेस्ड है, कल्याण थाट कह सकते हैं और बिहाग राग की छाया मेरे हिसाब से है, तो कल्याण थाट को भी जहन में रख के आप गा सकते हैं। तो इसको मैं बता देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त की तैयारी आपकी हो सकती है। और गज़ल के शौकीन लोग जो गज़ल को बेस करके, हम लोग अपने लाइफ में गज़ल को ही ज़्यादातर बेस करके अपने संगीत रियाज में थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करते थे, क्योंकि गज़ल जो महान महान गायक का गाया हुआ है उनके अंदर छोटे छोटे जगहों पे को पकड़ के उसको बार बार रियाज करने से क्या होता है कि आपकी तैयारी एकदम कम्फर्टेबल और एक सही तरीका में, सही वे में, सही स्वर में आपको मज़ा भी आता है वो चीज़ करने में। तो इसको हम लोग देखते हैं और इस जो मैं नोट बताने वाला हूँ इसके बाद आप ओरिजिनल जब सुनिएगा तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि सेम स्केल में ओरिजिनल भी आपको मिलेगा सी शार्प से। गज़ब का स्टेंजा है, कमाल के स्वर हैं, मुखड़ा का भी कुछ एक जगह बहुत ज़्यादा गला का काम भी है, तो मैं दिखाता हूँ। स्टार्टिंग है रूपक ताल पे है, ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल आप सुन लीजिएगा, मैं नोट बता देता हूँ स्थाई और स्टेंजा। ज्वाइन बटन जरूर क्लिक कीजिएगा और सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लोग पूछते रहते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए, ये जानकारी व्हाट्सएप पे मैसेज करने से आपको मिलेगा। कॉल नहीं करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, उसमें लिखें कि ऑनलाइन क्लास की जानकारी चाहिए, रिटेन जानकारी मिलेगा, क्या चार्जेज है, कैसे क्लास होता है, सारी बात। तो आइए मैं दिखाता हूँ कैसे गा सकते हैं। ये कॉर्ड लीजिएगा, बेस कॉर्ड सागा पर, रे म ध, ये सब कॉर्ड प्रयोग हो, और ये रे म ध और ये रे म ध दोनों कॉर्ड प्रयोग, यहाँ भी और यहाँ भी। ग प नी का कॉर्ड प्रयोग होगा, ये प्रयोग होगा, प नी रे का, म ध सा का, ये सारे कॉर्ड कहाँ कहाँ यूज हैं अभी देखिए, नोट के साथ कॉर्ड पोजिशन। वो गौ से वो ग घ म ध प, वो कभी ग घ म ध प मरी, वो कभी मिल जाए तो, वो कभी मिल, ये कर्ण स्वर लगा के आ सकते हैं, नीचे ध से है, धनी सा मग, तो ध में आने से पहले ये नी सानी का कर्ण लगा के जा सकते हैं हल्का सा, कैसे, वो कभी मिल मिल मिल, सानी के बाद ध को इफेक्टेड करना है, मिल जाए तो, ये कॉर्ड, क्या कीजिए, और यहाँ का कई तरीका से हम लोग जब गाते हैं तो कई तरीका का इफेक्ट, लेकिन यहाँ ध्यान आपको रखना पड़ेगा ताल का कि इतना देर में रिदम ती ती न धीना धीना ती ती न धीना, तो ये जो चलता है तो उसका टाइमिंग आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ये करने में। मिल जाए तो क्या गरे कीजिए, यहां से एक तो ये हो गया, और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्या कीजिए, क्या कीजिए, क्या कीजिए,
ये भी है अलग। क्या कीजिए, तो कई तरीका से कर सकते हैं। उसके बाद है ये कॉर्ड आ गया, रात दिन कौसे, रात दिन सूरत को निधमा, सूरत को देखा यहीं पे कीजिए, मामा मामा गा रे रे सा हे हे, यहाँ से रात दिन सूरत को देखा कीजिए वो कभी। ये स्टेंजा का लाइन बहुत जबरदस्त का कमाल का है, यहाँ सा से स्टार्ट होता है, चांदनी रात कई तरीका का गमक का प्रयोग है, चांदनी रातों में सा 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 दा गा मा, चांदनी ऐसा भी कर, चांदनी रातों में एक एक फूल मधा धरे फूल को, मधा धरे परिगसा, ऐसा आएगा फूल सा के फूल को, फिर से देख लीजिए एक इफेक्ट और है यहाँ स्टेंजा में, चांदनी एक एक फूल गमक है फूल, तो ये सब रियाज की बात, फूल मधा धरे फूल को, इसी को दोबारा इस लाइन को हर एक स्टेंजा में पहला लाइन को दोबारा लेने के लिए बीच में एक अलाप कर सकते हैं, गपनी सरी सने दानी सा गप गप धनी रि सा आ, गप धनी रि सा आ, और लंबा नीचे से भी जा सकते हैं वापस, ये तो अपना अंदाज है, ये जबरदस्त लगेगा, क्या था गप धनी रि सा नि ध म ग म धनी सा आ, चांदनी रातों में एक एक फूल को रे गरे गसा बेखुदी बे, वही अस्थाई वाला नोट है, बेखुदी कहती है सजदा कीजिए, ये सब नोट थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, और वो सेकंड वाला जो बताया था वो थोड़ा सिंपल है, बेखुदी कहती है सजदा कीजिए, पधरी सनी ध पधरी सा, ये थोड़ा सिंपल है, लेकिन ये वाला बेखुदी कहती है सजदा कीजिए, इस हिसाब से तो नया नया एक्सपेरिमेंट करके ताल के अंदर रहे और भी चीजें इसमें कर सकते हैं। ओके, अभी आज के लिए इतना, थैंक यू।